नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीबीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आपको बता दें, जन जागृति फाउंडेशन के नेशनल कार्यालय पर आए संजीव चौधरी जी ने बाइक शाइनर, कार शाइनर और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाते हैं उस पर खास चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जन जागृति फाउंडेशन का पदाधिकारी होने के नाते मैं फोकस ये कर रहा हूँ कि पानी बचाते हुए, पानी का न इस्तेमाल करते हुए भी गाड़ियों को चमकाया जा सकता है। ख़ास बात यह है कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा और बेहतर तरीके से वो अपनी रोज़ी रोटी कमा पाएंगे। तो आप दबंग बिहार स्टार टीवी सही खबर सबके लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि पल पल की खबर आपको मिलती रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट। तो आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी सही खबर सबके लिए और रोज़गार के ताल्लुक से समय समय पर हमारा चैनल बताता रहता है। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीव चौधरी जी, जो नेशनल लेवल पर बाइक शाइनर, कार शाइनर और बहुत सारे इनके प्रोडक्ट हैं जिनको लेकर ये काफ़ी टाइम से जो है मार्केट में हैं। आइए सीधा उनसे जानते हैं कि इन तमाम प्रोडक्ट के ज़रिए कहाँ तक लोगों को रोज़गार मिलेगा और कितना फ़ायदा गाड़ी वालों को मिलेगा। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीबीएस टीवी चैनल पर। बताइए क्या बताना चाहते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट है यहाँ पर। धन्यवाद। मैं आपके टीवी लिंक चैनल के मार्फत मैं सारे दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ, पॉलिश तो मार्केट में बहुत है लेकिन कुछ अपना जो ये पॉलिश है जिसका नाम बाइक शाइनर है वो कुछ हटके है। हटके मतलब ये है कि इससे एक नहीं अनेक काम है। गाड़ी को ना धोना है, ना डिटर्जेंट यूज करना है, ना पानी यूज करना है। 15 दिन में 1 टाइम स्प्रे करना है, कपड़ा मारना है, ऑन द स्पॉट क्लीन भी होगा, शाइनिंग भी आएगा और एक कोटिंग हो जाएगा। तो क्या लगता है कि जो लोग गाड़ी धुलवाते हैं वहाँ पर पानी का इस्तेमाल होता है, शैम्पू का इस्तेमाल होता है, उसके जो धुलाई के अंदर जो बाइक के अंदर शाइन आता है, चमक आती है, क्या आपके बाइक शाइनर से भी वैसे ही चमक रहेगी? सर, इसका शाइनिंग तो सबसे बेस्ट माना जाएगा क्योंकि अदर पॉलिश में जो शाइनिंग आता है उससे 3 गुना शाइनिंग भी आएगा। लेकिन 3 काम 3 in 1 इसका नाम दिया गया है, क्लीन शाइन एंड कोट। गाड़ी को धोने के लिए मेन इसका कंसेप्ट है वाटर सेविंग। आज पानी बूंद बूंद बचाने की जो कंसेप्ट चल रही है, बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत महापुरुष वगैरह जो है ना अपील कर रहा है कि पानी बचाओ पानी बचाओ। एक गाड़ी को धोने के लिए 4 से 5 बाल्टी पानी रोज खर्चा होता है लेकिन अगर गाड़ी को धोना ही ना पड़े, धोते हैं तो केवल साफ, एक बार रोड से आपकी गाड़ी आती है फिर गाड़ी गंदी हो जाती है। अगर ये आप मारते हैं गाड़ी गंदी होगी, यानी लेयर पे सब धूल मिट्टी रहेगा, आप कपड़ा मारेंगे क्लीन भी हो जाएगा, शाइनिंग भी है, कोटिंग भी। 15 दिन में फिर एक थोड़ा सा मार दीजिए तो वाटर सेविंग कंसेप्ट है। आज ये बाइक के लिए 200 ml का अपना पैक आता है, कार के लिए अपना 350 और 650 ml का पैक आता है। उसके साथ में चैन लूब है। चैन लूब ये है कि आप ग्रीस जो यूज करते हैं चैन के ऊपर, वो बारिश में या पानी के वजह से धुल जाता है। लेकिन अगर मान के चलिए आप ये चैन लूब यूज करते हैं तो चाहे कितना भी बारिश हो, कितना भी पानी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके ऊपर। अच्छा सर, ये बताइए आप कि जो लोग कार धुलवाते हैं, अपनी बाइक धुलवाते हैं, वहाँ पर 60 रुपया से 100-120 रुपया चार्ज लगता है। आपका जो 200 ml का आप अभी बता रहे थे मुझे बाइक शाइनर, इस पर कितना जो है उसकी बचत है इसमें या इसका रेट ज़्यादा है? सर, 150 रुपया इसका वैल्यू है, दुकान से ही आपको 150 रुपया में मिल जाएगा। आपके अपने एनजीओ के थ्रू अगर कोई इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो 50 रुपया डिस्काउंट यानी 100 रुपया में यहाँ से पब्लिक को अवेलेबल हो जाएगा। यानी जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से जो लोग भी जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं इस एनजीओ के साथ ये चलते हुए
सस्ता उनको मिलेगा, ये एनजीओ के लिए बेनिफिट है, एनजीओ के तरफ से मेन है। एनजीओ का भी काम है पानी बचाने का, जो कंसेप्ट एनजीओ दे रहा है उसमें एनजीओ का पर्पस भी पूरा हो रहा है। अगर 50 आदमी, 50 अपना जो फॉलोअर है एनजीओ के मेंबर जो है, अगर वो यूज करते हैं तो 200 बाल्टी पानी का सेविंग मेरा होता है। 1000 आदमी अगर इसको यूज करने लगे तो 2-4 हजार बाल्टी रोज का पानी सेविंग करेंगे। तो मेन है वाटर सेविंग कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए। इसके साथ में इक्विवेलेंट बहुत सारे प्रोडक्ट है, चैन के लिए चैन लूब है, रस्ट के लिए रस्ट रिमूवर है, चैन क्लीन करने के लिए चैन क्लीनर है, साथ में अपना जो है ना इंजन ऑयल भी है। इंजन ऑयल ये जो है ना सर्वोत्तम क्वालिटी की ऑयल, जो आपके गाड़ी में एक्चुअल कौन सी ऑयल की जरूरत है। अगर कोई अलग इधर उधर वाला ऑयल आप डालते हैं, आपकी गाड़ी का इंजन चौक हो सकता है, बहुत सारे जो है ना उसमें आग लग सकती है। इसीलिए इंजन में जो कुछ भी ऑयल आप डालते हैं मैकेनिक से सलाह पे लेते हैं। आज कैस्ट्रॉल का नाम सुने हुए हैं, गल्फ का नाम सुन रहे हैं, सभी जो है ना ब्रांड है, भरोसा है। तो हमारा जो एनजीओ के तरफ से इसको जो हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ये भी अगर एनजीओ के मेंबर आकर के अपने ऑफिस से अगर प्राप्त करते हैं तो जो 300 रुपये में दुकान से ऑयल मिलता है, 150 रुपये में यहाँ से ऑयल मिलेगा, यानी 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो बहुत सारी खुसूसियात आपने बताई है इसमें, बहुत सारे। ये पाउच में क्या है सर, पाउच भी पाउच रखा हुआ है यहाँ पे? ग्रीस है, ग्रीस आपको देखते हैं जैसे रिक्शा में लगता है ग्रीस, जहाँ पर में भी जो है ना यूज होता है, अच्छी क्वालिटी का ग्रीस जो है ना सस्ता प्रोवाइड करेगी हमारी एनजीओ के तरफ से। मैं आपके जितने भी टीवी दर्शक हैं, टीवी के फॉलोअर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, जो हमारे एनजीओ के मेंबर हैं, इसके बारे में जो कोई भी जानकारी लेना है वो यहाँ आकर के इस ऑफिस से प्राप्त कर सकते। और हाल ही में ऐसा पता चला है, चूँकि जनजागृति फाउंडेशन के आप भी पदाधिकारी हैं, तो रोज़गार के सुनहरे मौके आपके इन प्रोडक्ट के ज़रिए निकल रहे हैं। एनजीओ से जुड़े हुए लोगों को खास तौर पर अभी रोज़गार से लगाया जाएगा, क्या बात सच है? जी बिल्कुल सच है। आज जो भी जिसका भी रिक्वायरमेंट, आज कोरोना पीरियड में सबका जॉब इधर उधर हो गया है, काफ़ी किल्लत जो है ना ये है, मगजमारी चल रही है। हमारे एनजीओ में आवे, स्किल के हिसाब से जो मार्केट के बंदे हैं उसे उसको मार्केट में दिया जाएगा, जो प्रोडक्शन में जाने वाले हैं वो प्रोडक्शन में दिया जाएगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यथासंभव एनजीओ के तरफ से उनको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए तो फिर मिलेंगे किसी नए और ताज़ा समाचार के साथ। कैमरामैन अविनाश के साथ मैं मेंबर काती, दबंग बिहार, स्टार टीवी। धन्यवाद।